लोग जा रहे हैं एक ट्रिप में। हाउ टू ट्रैवल विद योर डॉग इन इंडियन रेलवे। बच्चों को अगर आप तैयार कर रहे हो ट्रैवल के लिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है व्हाट इज दिस ब्रोंकाइटिस वैक्सीन। प्लीज अपने वेट से बात कीजिए। सर्टिफिकेट इज नीडेड, तो उस रिक्वेस्ट के फॉर्मेट, रिक्वेस्ट के साथ एनक्लोजर्स में क्या क्या होना चाहिए। पहले चलते हैं, पहुंचते हैं वेटेश्योर। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। आज का ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं हमारे एकदम नया कैमरा, उसमें ने जो नया कैमरा लिया है वो है सोनी ZV-E10। मैं अभी शूट कर रही हूँ, उसके साथ माइक वाइक पूरा सेटअप कर लिया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। पहला जो मेरा कैमरा था वो 2017 में दीपांजन ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था, और इस बार फिर 2023 में उसने मुझे ये गिफ्ट किया, बर्थडे गिफ्ट ही बोल सकते हैं इसको। तो आज हम लोग जा रहे हैं फ्लरी कियारा के डॉक्टर के पास, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर घोष के पास। फ्लरी कियारा का जो ब्रोंकाइटिस वैक्सीन है एक्चुअली 5th को ड्यू है, आज है 3rd of December, आज ही वो करवा लेंगे वैक्सीनेशन, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप में। इस बार थोड़ा लंबा ट्रिप है और लंबे ट्रिप में बहुत सारे डेस्टिनेशन है, 3-4 अलग अलग डेस्टिनेशन है एंड सारे ऑफ बीट प्लेसेस है। आप लोगों के साथ तो वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी, और जो भी जाने के लिए फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी है आगे पीछे, वो भी शेयर करूंगी जैसे हमेशा करती हूँ। पहले चलते हैं, पहुंचते हैं वेटेश्योर, और उसके बाद वहाँ पे जाके बाकी का डिटेल्स आप लोगों से शेयर करती हूँ। আসলে কামড়ে নতুন চুপচাপ तो कल डॉक्टर के वहां से आने के बाद मैंने और कोई व्लॉग नहीं किया, क्योंकि कल हम लोग जब वहां पे गए हमारा नाम लिखा तो वी वर एट नंबर 25। तब जो पेशेंट को वो देख रहे थे दे वर नंबर 10। कियारा थोड़ा माइक को हिला रही है। हाँ, डू यू लाइक दिस सेटअप, डू यू लाइक दिस सेटअप। तो डॉक्टर वॉज ऑल्सो डेड टायर्ड बाई दैट टाइम, एंड अभी मैं फिर से रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी मुझे फिर से जाना है उनके पास। उन्होंने एक्चुअली कल जो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट हमने उनसे कलेक्ट किया, वहाँ पे कुछ वैक्सीनेशंस के एडमिनिस्ट्रेशन डेट एंड एक्सपायरी डेट, मतलब ड्यू डेट, दोनों में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। थिंक फ्लरी के डेट्स कियारा के सर्टिफिकेट में चला गया है, कियारा का फ्लरी पे, जंबल्ड अप हो गया है सब कुछ। तो मैं आज जा रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ, और जाके ये एक फ्रेश फिर बना के मुझे लाना पड़ेगा क्योंकि ये मैं सबमिट नहीं कर सकती। अब कमिंग टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रिप में, इट्स गोइंग टू बी अ 8 days लॉन्ग ट्रिप, तो इसलिए सारी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, बट हमारी तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए तैयारी। जब भी हम डॉग को लेकर ट्रैवल करते हैं मोस्टली या तो हम बाई रोड जाते हैं अपने कार पर, या तो हम बाई ट्रेन जाते हैं फर्स्ट क्लास AC में। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर डॉग यू नीड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास AC में ही आप अपने डॉग को अपने साथ लेके जा सकते हो, दूसरे कोई भी क्लास में वो आपके साथ नहीं जा सकती है। दे नीड टू ट्रैवल इन दी ब्रेक वैन ऑफ द ट्रेन, जहाँ पे उनको एक बॉक्स में डाल के आपको देना पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट देम टू ट्रैवल अलॉन्ग विथ यू, देन यू नीड टू बुक टिकट, योर टिकट इन फर्स्ट क्लास AC। हाउ टू ट्रैवल विथ योर डॉग इन इंडियन रेलवे, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है पहले, फिर से मैं आप लोगों के साथ जब अभी जा रही हूँ तो जो भी
डिटेल्स है, जो भी अपग्रेडेशन है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आई थिंक द लास्ट वीडियो आई मेड दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2022, तो अभी 2023 में कुछ अपग्रेडेशन हुआ है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बच्चों को अगर आप तैयार कर रहे हो ट्रैवल के लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनके हेल्थ, एंड हेल्थ में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है अपडेटेड वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। वी एनी वे कीप देयर वैक्सीनेशन ऑलवेज अप टू डेट, बट इफ़ यू हैव अ अपकमिंग वैक्सीनेशन डेट विच इज़ फॉलिंग during your travel dates, so it is always advisable to do it before you go। लड़ी कह रहा का जो bronchitis vaccination है इस साल का, उसका due date था 6th of December। 6th of December ही हम travel कर रहे हैं, इसलिए yesterday we got that done, दो दिन पहले इसीलिए वैक्सीनेशन करवा लिया, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स है तो उसके लिए बच्चों को टाइम मिल जाए दो दिन का। Now I know lot of you will be asking what is this bronchitis vaccine। किसी को ये पता होगा, किसी को ये नहीं पता होगा, क्योंकि दिस डजंट फॉल अंडर दी मैंडेटरी वैक्सीनेशन लिस्ट। मैंडेटरी वैक्सीन जो है रेबीज, डिस्टेंपर एंड पार्वो, ये वैक्सीनेशन आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। ईयरली ये वैक्सीनेशन डॉग्स के लिए ज़रूरी है, और ये वैक्सीनेशन जब आप ट्रैवल करते हो इसका रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अपने वेट से कोई भी वैक्सीनेशन करवाते हो तो मेक श्योर दे पुट अ सील, दे पुट अ साइन, एंड दे ऑल्सो पुट द स्टिकर विद द वैक्सीनेशन बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग। ब्रोंकाइटिस वैक्सीन इज वन ऑफ द ऑप्शनल वैक्सीन। जब हम कोलकाता में आए सो फ्लरी गॉट सिक वंस एंड शी गॉट कैनल कफ, सफरिंग अ लॉट ड्यू टू दैट, एंड तभी हमें डॉक्टर घोष ने सजेस्ट किया कि इफ़ यू आर नॉट एडमिनिस्टरिंग ब्रोंकाइटिस वैक्सीन आई वुड सजेस्ट प्लीज डू इट, बिकॉज कोलकाता वेदर इज वेरी डिफरेंट। इट इज इन ड्यूरिंग समर एंड मॉनसून इट इज वेरी ह्यूमिड, एंड ड्यूरिंग विंटर इट इज ड्राई एंड डस्टी। हमारी फ्लरू को तब से, फ्लरू एंड कियारा का ब्रोंकाइटिस वैक्सीन हम लोग तब से करवाते हैं। तो अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए प्लीज़ अपने वेट से बात कीजिए। प्लीज़ कोई भी रैंडम पेट स्टोर में जाके वहाँ के भैया को मत बोलिए ऐसे वैक्सीन देने के लिए। वेट के सजेशन के अलावा ऐसे कोई भी बिग डिसीजंस मत लीजिए अपने बच्चों के लिए। ब्रोंकाइटिस और केनल का वैक्सीन इज गिवन इधर बाय इंजेक्शन और ओरली और बाय नेजल ड्रॉप्स। नेक्स्ट टाइम से वो जो इंजेक्शन है उसी के थ्रू होगा इनका वैक्सीनेशन, बट वैक्सीनेशन हमने करवा लिया। तो ये था एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक बार पूरा हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन पूरा अपडेटेड रहना चाहिए। आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो मैं इस वीडियो में, जितना आगे बढ़ेगा वीडियो में, आपको एक के बाद एक स्टेप बताती जाऊंगी। जैसे ही हम लोग एक एक स्टेप अटेम्प्ट करेंगे आपको मैं वो शेयर करती रहूंगी। फिलहाल हमने डॉक्टर से कल जो कलेक्ट कर लिया है वो है इनके फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। दिस फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट इज नीडेड, जो रिक्वेस्ट होता है जमा करना पड़ता है रेलवे ऑफिस में, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल। उसके साथ ये एनक्लोजर में देना पड़ता है। सो व्हाट इज दिस फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट? ट्रैवल और फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अ पेट वेयर अ वेट सर्टिफाइज दैट आई डू हियर बाय स्टेट दैट आई हैव रेड रूल्स 8-14 इन चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स 1978। द डॉग cat approved to be in good health, free from any signs of injury, infections or contagious diseases, rabies, and in and fit condition to travel through rail, road, sea or air, that the dog or cat has been vaccinated and the vaccination card is attached with the certificate, vaccination details are provided below। ye certificate mein bhi vaccination ka details dena padega aur uske sath aapke paas jo vaccination ke card hai inke bhi copies attach karna padta hai रिक्वेस्ट लेटर के साथ। आपके साथ हमेशा एक एक कॉपी रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉपीज आपके साथ भी रहना चाहिए, ताकि आपको कोई भी जर्नी में प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपसे देखना चाहे आप ये फटाक से निकाल के दिखा सकते हो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर वो डिटेल दे दूंगी वहाँ पे। तो आप लोग मुझे बहुत मेल करते हो, मैसेज करते हो ये ट्रैवल के लिए, इसलिए मैं जब भी अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल करती हूँ मैं हमेशा सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये था अब तक का डिटेल। कल हम लोग जाएंगे रिक्वेस्ट सबमिट करने, तो उस रिक्वेस्ट के फॉर्मेट, रिक्वेस्ट में क्या क्या डिटेल्स होना चाहिए, रिक्वेस्ट कहाँ पर सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, रिक्वेस्ट के साथ एनक्लोजर्स में क्या क्या होना चाहिए, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी।